अगर तो आप लोग थोड़ा पढ़े लिखे हैं, बेशक आपने स्कूल में आर्ट क्लास या मैट्रिक भी किया हुआ है ना, तो आप लोग एक घंटा काम करके $16 कमा सकते हैं। $16 का मतलब है पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 4500 रुपए एक घंटे के, और अगर आप दिन में 10 घंटे काम कर लें तो एक दिन के आप लोग 40 से लेकर 50 हजार तक कमा सकते हैं। और यहाँ पे बात सिर्फ पढ़े लिखों की नहीं हो रही, अगर आपको लगता है कि आप लोग किसी चीज को अच्छे से सिखा सकते हैं, कोई स्किल ही सिखा सकते हैं, या बेशक कोई आसान सा काम है, आप में कोई खूबी है, कोई शायरी करना, कुछ लिखाई सिखाना, कुछ बोल के बताना, अगर आप कुछ भी सिखा सकते हैं तब भी आप लोग भी यहाँ से एक घंटे के $16 कमा सकते हैं, क्योंकि स्पेशल वीडियो ही इस तरह के लोगों के लिए है। हाँ, अगर ज्यादा पढ़े लिखे हैं या आप लोग टीचिंग करना चाहते हैं या टीचिंग की हुई है, फिर तो आज आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है इस वेबसाइट के ऊपर काम करने का। और विड्रॉ की टेंशन भी नहीं है, विड्रॉ भी आप लोगों को फौरन मिल जाया करेगा, पैसे ठक से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। वेबसाइट ही इतनी ऑथेंटिक और ओरिजिनल है। अगर वाकई में काम करना चाहते हैं तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? राणा साहब आपको तहे दिल से खुश आमदीद कहते हैं। जी दोस्तों, पहले मैं वीडियोस बनाता हूँ ऐसे लोगों के लिए कि बेशक कोई अनपढ़ भी है ना, वो भी काम करके पैसे कमा सके, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है उन लोगों के लिए जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, ठीक है, चीजों को समझ सकते हैं ना, बेशक स्कूल में 8 क्लास ही पढ़ी हुई है, बेशक मैट्रिक ही किया हुआ है, तो वो लोग भी एक घंटा काम करके एक घंटे के इवर्स में 4500 रुपए तकरीबन $16 आसानी कमा सकते हैं। नौकरी भी पक्की है, आप लोगों ने अप्लाई करना है और साथ इंशाल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी अगर आप लोग सही तरीके से अप्लाई करेंगे, और वही सही तरीका आपको मैं बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना, कहीं से भी स्किप नहीं करना। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपने मेहनत करनी है, मेहनत करो, उसका अजर आपको अल्लाह ताला की जात जरूर देती है। सब कुछ बताता हूँ, लेकिन उन सबसे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है अभी तक तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, और जो न्यू आया है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को लाजमी ऑन कर दे, ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। मुझे पता है कि आप बाद में करना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो अभी कर दे सब्सक्राइब। और सारा काम आपने मोबाइल फोन से ही करना है, लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, बस जोन से स्टेप्स मैं बताऊंगा आपने उनको फॉलो करना है, सारा काम हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम चलते हैं मोबाइल फोन और लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जी दोस्तों, ये हम आ चुके हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि बात की कि आज बात होगी पढ़े लिखे स्टूडेंट्स के लिए, बेशक मैट्रिक पास है ना, वो भी यहाँ पे काम कर सकता है। अब आप कह रहे होंगे सर वाकई पैसे मिलेंगे? हाँ भैया, ये देखो ना, इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ पे स्कैम एडवाइजर के पास, जो हमें कहता है कि इस वेबसाइट का जो ट्रस्ट स्कोर है वो 100 में से 100 है, यानी इस वेबसाइट को पूरे नंबर मिलते हैं काम करने के हवाले से। जितने लोग भी आते हैं काम करते हैं उनको पूरे पैसे मिलते हैं। अगर हम जाए सिमिलर वेब के ऊपर तो ये हमें बताती है कि भैया ये जो वेबसाइट है ना, यहाँ पे महाना कितने लोग आते हैं, 2,99,000 तकरीबन 3 लाख लोग यहाँ पे महाना आते हैं, काम करते हैं और पैसे कमाते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे इतनी ट्रैफिक है। अब हम जाते हैं दोबारा वेबसाइट के ऊपर। आप कह रहे होंगे सर वो तो ठीक है, हम वेबसाइट पे कैसे आ सकते हैं, बता देते हैं आपको आसान तरीका, टेंशन क्यों लेते हैं। इस वक्त जोन सी आपके सामने राणा साहब की वीडियो चल रही है ना, ठीक है, इस वीडियो को आपने ऐसे करके नीचे कर लेना है, ठीक है। नीचे करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगी, लिखा होगा शो मोर पे आप लोगों ने टिक कर लेना है, ठीक है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने पहला लिंक होगा, लिखा होगा क्लिक हियर टू गेट वेबसाइट लिंक, ठीक है, ये पहला लिंक है, इस पे आप लोगों ने टिक कर देना है। पहले लिंक के ऊपर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फोटो कोई भी हो टेंशन नहीं लेनी, बस आपने देखना है कि यहाँ पे यही वाला लोगो होना चाहिए। आप लोगों ने इस वेबसाइट नीचे कर लेना, जहां पे आपको रेड कलर का टेक्स्ट नजर आएगा क्लिक हियर टू गेट वेबसाइट लिंक, इस पे आपने टिक करना है। आप आ जाएंगे फौरन से इस वेबसाइट के ऊपर। अब यहां पे काम कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है, थोड़ा आसान और थोड़ा टेक्निकल है, समझना आपने। इसको आपने फुल ऐसे नीचे करते जाना पेज को, ठीक है, वेबसाइट को फुल एंड पे ले आएंगे। यहां पे लिखा होगा सपोर्ट, वहां लिखा होगा बिकम अ ट्विटर, आपने इसके ऊपर टिक कर देना है बिकम अ ट्विटर के ऊपर। दोस्तों यहां एक और चीज बता दो, इन दिनों बहुत ज्यादा लोग स्कैम और फ्रॉड कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आप लोगों ने से बचना है। वो कैसे स्कैम करते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसे चोर हैं जो राणा साहब की वीडियोस को चोरी करके अपने पेजेस पे चैनल्स पे लगाते हैं, ठीक है। तो आपने ऐसे स्कैमर से चोरों से बचना है, बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि यहाँ पे आपको मेरी सारी आईडीज शो हो रही है, ठीक है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, व्हाट्सएप नंबर है, इन सब के लिंक मिलेंगे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे जाके हर जगह पे अभी फॉलो कर लें, ठीक है, ताकि कल को आप लोग स्कैम और फ्रॉड से बच सके। जहां भी आपको मेरी वीडियो नजर आए वहां पर अपने खास ख्याल करना है,
जो उस चैनल या पेज का नाम है वो एग्जैक्ट राना दाना तारी ही होना चाहिए। बेहतर तरीका एक ही है कि इन सब के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप मुझे ज्वाइन कर ले ताकि आपके साथ स्कैम में फ्रॉड ना हो सके। मजीद कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, वहां मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने बटन होगा अप्लाई नाउ का, ठीक हो गया। आपने यहाँ पे टिक करना है अप्लाई नाउ के ऊपर। करने के बाद आपके सामने एक छोटा सिंपल सा फॉर्म ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म को हम लोगों ने यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। ये देखिए जरा सिंपल बात है, यहाँ पे दोबारा अप्लाई नाउ का बटन आ गया, इस पर दोबारा हम टिक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे सामने क्या आ चुका है, हमारा फॉर्म ओपन हो चुका है। इस फॉर्म को अब यहाँ पे हम लोगों ने फिल करना है। अब यहाँ पे सिंपल सी मालूमात देनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल वगैरह है, ठीक है। वो चीजें मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फोन नंबर ऐड कर दिया। अब कह रहा है कि सीवी वगैरह अपलोड कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम टिक करते हैं अटैच के ऊपर। यहाँ मैं आपको बात बता दूं कि जो अपने सीवी अपलोड करनी है प्रोफेशनल टीचिंग की जॉब के लिए आपकी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी सीवी बनी हुआ कहीं पर अपना ड्राइवर के लिए, उसको टीचिंग में दे, ऐसा काम नहीं होगा। हर जॉब के लिए हमेशा अलग उसी के मुताबिक सीवी होनी चाहिए। अब सीवी अगर आपको नहीं बनानी आती या कोई और बनी हुई है तो आप टीचिंग के हवाले से बनाना चाहते हैं, परेशान नहीं होना। इसके हवाले से डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, जिसमें मैंने सारा कुछ बता दिया है। एक ऐसा खास तरीका बताया है कि अगर आप उस तरीके से सीवी बनाएंगे तो आपको हर जगह जॉब लाजमी मिल जाएगी। उस वीडियो को देखना चाहते हैं, ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक आ रहा होगा क्रिएट प्रोफेशनल सीवी, टिक कर जाकर इस वीडियो को देख लें, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अटैच के बटन पे, मैं यहाँ पे टिक करता हूँ जो सी मेरी सीवी है उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह कवर लेटर मांगना लेकिन ये ऑप्शनल है, नहीं भी एड करेंगे टेंशन नहीं है। आप पूछ रहे स्कूल की इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। यहाँ पे हम अपना स्कूल सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जोन सा स्कूल आपकी यूनिवर्सिटी वगैरह है जो भी है, ठीक है। तो आपने उसका नाम यहाँ पे पूरा लिखना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ठीक है जी। ये लीजिए हमने लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ये जी सिलेक्ट कर लिया। पूछ रहा है कि डिग्री कौन सी आपने करनी है, ठीक है। स्कूल आप देखिएगा इनमें से कोई चूज कर लीजिएगा, ठीक है। जोन सा भी अगर आपको आपके मुतलका मिल गया, ठीक है, ना मिला आप इनमें से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है कि डिग्री कौन सी लगानी है बता दे, मास्टर्स है कौन सी, मैं कहता हूँ मास्टर्स है आपकी, मैट्रिक होगी तो अपने मैट्रिक यहाँ पे लगा देनी, आपका हाई स्कूल आएगा, ठीक है। डिसिप्लिन का पूछ रहा है, ठीक है, कि बताओ तुमने किस में किया है, तो आप बता दे, अगर सिंपल आपका मैट्रिक है तो आर्ट्स कर दे, ठीक है। ये जो सी भी आपको यहाँ पे नजर आती है। आप पूछ रहे हैं कि स्टार्ट डेट क्या है और एंड डेट यहाँ पे क्या है, तो स्टार्ट आपने डिग्री कब शुरू की थी, जोन सा पहले में आप लिखेंगे महीना, दूसरे कॉलम में आपने लिखना है साल, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। फिर पूछा कि खत्म कब हुई है, तो हम कह देते हैं कि 8वें महीने में 2020 में जाके खत्म हो गए, ठीक है। इस चीज को आपने ध्यान से फिल करना है। उसके बाद कोई और मजीद एजुकेशन है टिक करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है प्लीज कंफर्म यू आर 18 इयर्स ऑफ एज, ठीक है जी, हाँ हम 18 से बड़े हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि बता दें अपना, ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पे कंफर्म कर दें कि आपको, हम आपको बता रहे हैं, आप इसी से एग्री करें कि आपको यहाँ पे मिलेंगे $16 एक घंटे के, जो आपसे बात की थी ना, देखो सच्ची है कि एक घंटे के मिलेंगे $16, ऐसी बात है ना। $16 का मतलब बनता है तकरीबन 4500 रुपया अगर आपको एक घंटे का मिले। अगर आप वही 10 घंटे काम करें तो जनाब खुद ही से आप लगा सकते हैं कितने पैसे आपके बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे जाके हम आई एग्री पे टिक कर देते हैं। उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि बता दे आपका चेक वगैरह, ठीक है, मैं इसको भी एग्री करते हैं। उसके बाद ये तीसरा ऑप्शन है, ठीक है, योर रेज्यूमे शुड इंडिकेट एजुकेशनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द सब्जेक्ट, ठीक होगा। इसको आपने टिक करना है, अपने यहाँ पे अपने आर्ट्स वगैरह को चूज कर लेना है। मेरा चूंकि हम इंग्लिश है इसलिए मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद प्लीज कन्फर्म योर प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ एक्सपर्टीज, अपना प्राइमरी सब्जेक्ट बता दे कौन सा है, ठीक है। आपने उसके हवाले से यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। अगर इंग्लिश का मतलब इंग्लिश कर ले, प्रोग्रामिंग है तो आपको वो भी यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। जोन सा भी आपने चूज कर लेना है। अभी कह रहे हैं ब्रीफली कुछ बता दें वाई यू सिलेक्टेड द सब्जेक्ट, कि आपने इसी में क्यों अपना मैट्रिक या मास्टर किया, तो आपने बता देना है, ठीक है। इस हवाले से शॉर्ट सा आपने बता देना है, इसलिए आपने यहाँ पे अच्छी सी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं इसको अभी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे ओरिजिनल मालूमात देनी है, ठीक है। चाहे तो इसके लिए आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं या गूगल से भी लिखवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपना वर्क लोकेशन बता दे कहाँ पे है, ठीक है ना। तो आपने बता देना की आप जहाँ से भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पाकिस्तान, हम पाकिस्तान कर देते हैं, ठीक है। अपना ये कह रहे हैं कि योर वर्किंग आप कहाँ से करेंगे, ठीक है, तो वो भी आपने यहाँ पे चूज कर लेना है। आपने यहाँ पे आके ना ये देखिए कह रहे हैं कि अगर आप यानी पाकिस्तान से कर रहे हैं या अगर आप यूएसए में है ना, तो फिर आप यूएसए की स्टेट को चूज करें। हम चूंकि पाकिस्तान में इसलिए हमने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ टीचिंग का सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस कर दे, नहीं है तो नो करें, लेकिन आप यस कर दें। उसके बाद आप कैनवा से बना लीजिएगा। आप कैनवा क्या है या कैसे बनाते हैं सर्टिफिकेट, उसके वाले से परेशान नहीं होना, मैं वीडियो बना चुका हूँ। ऊपर आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा क्रिएट कैनवा अकाउंट, क्लिक करें जाकर
आके वहां से अपना टीचिंग का बनाए सर्टिफिकेट यहाँ पे आके अपलोड कर दें, ठीक है। उसके बाद ये कुछ चीजें हैं, इनको आप दे दे तो ठीक है, ना दे टेंशन की बात नहीं है। लिंक्डइन की प्रोफाइल मांग रहा है, वेबसाइट मांग रहा है, ठीक है। उसके बाद ये पूछता है कि आपका जेंडर शेंडर क्या है, मेल फीमेल, हम मेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ गए, ठीक है, ये चीजें भी है, छोड़ दे बेशक इसको आप, ठीक हो गया। उसके बाद पेज को अपने नीचे कर लेना, डिसेबिलिटी स्टेटस बता दे कि आप डिसेबल है या नहीं है, तो आप कह दे कि हम कोई भी डिसेबल नहीं है, ठीक है। आपने यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर टिक कर देना है। ये ले फ्रेंड्स, जैसे ही आप टिक करेंगे सबमिट के ऊपर, कह रहे हैं थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन बिकमिंग अ ट्यूटर, वी विल रिव्यू योर एप्लीकेशन टू डिटरमिन इफ यू आर अ गुड फिट फॉर द ट्यूटर मी लर्निंग कम्युनिटी। ये कह रहे हैं कि हम आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लें। ये देख लो क्या लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ रिव्यू, ठीक है। रिव्यू करने में टाइम लगता है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, कंपनी आपको मेल करेगी या फोन नंबर पर कॉल कर सकती है कि भैया आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है, आप लोग काम करना शुरू कर दे और एक घंटे के $16 कमाना यहाँ से शुरू करो। दोस्तों, आपकी एप्लीकेशन रिव्यू में जा चुकी है, रिव्यू में फिर बता रहा है रिव्यू में गई है, और किसी भी चीज को रिव्यू में जाके चेक होने में 2-4 दिन लग जाते हैं, इसलिए आपने जल्दबाजी नहीं करनी होती। फिर आप कहते हैं मैसेज या कमेंट करके सर अभी तक अप्रूवल नहीं आ रहा, कंपनी का जवाब नहीं आ रहा, मेल नहीं आ रहे। अरे मेरा भाई, जहाँ पे ऑलरेडी 3 लाख बंदे काम कर रहे हैं, हर महीने 50,000 बंदा भी जाके अप्लाई करता हूँ, अब कंपनी ने इतनी ज्यादा एप्लीकेशन को देखना, चेक करना, फिर टाइम तो लग जाता है ना, इसलिए सब्र क्या करे, सब्र का फल मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। और सबर करने में आपने फ्री बिल्कुल नहीं बैठना, मैं आपसे बता रहा हूँ ना, आप लोगों ने क्या करना, ऑनलाइन अर्निंग के बाकी तरीके को देखना, जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर चैनल को ओपन करें, वहां पे आपके लिए बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं ऑनलाइन अर्निंग की। उन वीडियोस को देख के हजारों लोग महीने के हजारों लाखों कमा रहे हैं, फिर आपके पीछे रह गए हैं। जल्दी से जाकर वीडियोज को देखिए, अपनी ऑनलाइन अर्निंग करना आज ही से शुरू करें। वीडियो के बाद किसी बात की समझ ना आए, परेशान ना हुआ करें, वीडियो को बार बार देखा करें, फिर भी समझ ना आए तो नीचे कमेंट है यहाँ पूछे, यहाँ पे आपका मेरे इंस्टाग्राम की आईडी हो रही है ना, जाकर मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, फिर मैसेज करें, वहां मैं जरूर आपके मैसेज का जवाब दूंगा। फेसबुक का पेज है, इसको भी फॉलो करके लाइक करें, मैसेज करें, यहां भी आपका जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।